रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ 7 महीने का बच्चा फिरोजाबाद में भाजपा की महिला पार्षद के घर मिला। पार्षद ने 1.80 लाख रुपए में एक नर्स से बच्चे का सौदा किया था। वहीं मथुरा रेलवे पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर पति पत्नी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गैंग के 6 सदस्य बच्चा चुराने से लेकर उसे निसंतान दंपतियों को बेचने का काम करते थे। 2 लोग वह हैं जिन्होंने बच्चा खरीदा था, यानी महिला पार्षद और उसका पति। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन मथुरा से 24 अगस्त को 7 महीने का बच्चा चोरी हुआ था। वह प्लेटफॉर्म पर मां के बगल में सो रहा था, जिसके बाद 2 लोग चुपचाप बच्चे को उठाकर वहां से ले गए। वहीं पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई थी। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस ने 6 दिनों में 200 से ज़्यादा CCTV चेक किए। वहीं फुटेज के आधार पर 800 किलोमीटर का दौरा भी किया और कई जगह दबिश भी दी। वहीं पुलिस को पता चला कि हाथरस के नवल नगर में बाकी बिहारी हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर दंपति बच्चा बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने डॉक्टर प्रेम बिहारी और उनकी पत्नी डॉक्टर दयावती को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बाकी बिहारी अस्पताल को सीज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।